इंटरेक्शन आफ्टर बिग बॉस हाउस, ये जो दिन बीते दो तीन दिन किस तरह से आपके लिए थे? बहुत रिलैक्स एंड चिल्ड. मैं अपने घर लौटी हूँ, अपने डैड के पास, अपने परिवार के पास लौटी हूँ. और सबसे अमेजिंग ये बात रही है कि उनके साथ वक्त जो नहीं बिता पाई दो महीनों में, अब फाइनली मुझे बिताने में, यू नो, आई एम वेरी एक्साइटेड बीइंग बैक होम. होम इज द प्लेस यू हैव टू बी. आपने मुझे अभी भी याद है जब आप घर के अंदर जा रहे थे तभी कहा था मेरी लेस फॉलो. अब देखिए कितनी खुशी हो रही है. किसका ही याद है आज वो दिन और आज का दिन? यार मोबाइल तरह से याद कर रहा हूं. बिल्ला मोबाइल लेटा. मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे एक अंडरडॉग कर सकती है, तो कोई भी कर सकता है लाइफ में. बस उनको अपने आप में बिलीव करना होगा. तो मेरी इनसिक्योरिटीज दिखती थी बट अंदर एक सेल्फ बिलीव था और वही आगे बाहर कर लाया. हमने कल एक तस्वीर देखी आपकी और अभिषेक की, काफ़ी अच्छी थी. किस तरह है उनकी हेल्थ को लेके? वो गए भी दोनों, एल्विस और अभिषेक दोनों अपने अपने घर गए. आप अगर वो मैंने पोस्ट भी किया था कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट फॉर एल्विस फॉर अभिषेक की. तो जैसे ही मैंने एंट्री मारी उसके आधे एक घंटे में न्यूज़ आई कि यू कैन गो एंड यू कैन हैव अ डिस्चार्ज. और आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई सैट देयर, हमने बात ही की और इट वाज अ गुड कॉर्डियल टाइम बिकॉज वो दिल्ली रहता है, यहाँ नहीं रहता. तो दिस वाज द लास्ट टाइम वी वर मीटिंग एंड वी रीयूनियन कब होने वाला है पूरे बिग बॉस का? कल भी एक छोटा सा रीयूनियन हुआ था. आप नहीं, पार्टी में, हाँ. आप नहीं आए थे वहाँ पे? जी, मैं नहीं आ पाई थी. तो काफ़ी लोग अपने अपने जगह चले गए हैं. वो हरियाणा गुड़गांव चला गया है, कोई दिल्ली, तो कोई मुंबई में ही है, कोई हॉलीडे पे निकल गए हैं. तो अब तक कुछ प्लानअप नहीं हुआ है बट जैसे ही सब एक साथ एक जगह आ जाते हैं आई एम श्योर ही. अब किस तरह से प्लान है आगे की, क्या तैयारी है आपको लेके? जो मेन बिग बॉस आता है, जो कलर्स टीवी पे आता है, उसको लेके कई हद तक चर्चा हो रही है कि आपका नाम आने वाला है. चाहेगी मैं आऊँ या ना आऊँ, तो अगर ऑडियंस चाहेगी तो मैं गौर करूँगी क्योंकि मुझे जनता ने उभारा है. अगर इस साल ऑफर आता है तो बेबी का आपका क्या जवाब होगा? अभी सोचा नहीं है मैंने ज्यादा बट अगर आता है ऑफर और संजय भाई अच्छी बहुत लगती है क्योंकि हमने जो हिट सीजन दिया था पूरा साथ मिलकर तो प्रोबेबली वही हिट सीजन फिर से बन पाया. नहीं, इसके चांसेस भी तो बेबी का. आप कितना खुश थे ये जो डिसीजन हुआ जो एल्विस को जिताने का, वाइल्ड कार्ड एंट्री आके जीता, अभिषेक जो पहले दिन से थे आपकी, हमें पता है नोकझोंक होती थी बट एक स्वीट रिलेशन जो कल जो तस्वीर देखी हमने उसमें दिखी. आप कितना एग्री करते हो ये जो डिसीजन से जो एल्विस पीछे से आके जीते? जब तक एल्विस नहीं आया था घर में सब कन्विंस थे कि अभिषेक ही जीते, लेकिन जब एल्विस की एंट्री हुई और मैंने और पूजा मैम ने उससे काफ़ी इंटरेक्ट किया, मुझे तो वो पहली नज़र में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक यू नो जॉयफुल और अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत ही नेक दिल इंसान लगा था मुझे. एग्जैक्टली. और मैंने कभी मेरी उससे कभी ऐसे झड़प या लड़ाई हुई भी नहीं देखा जाए तो, कोई ऐसे डायरेक्ट फाइट या कुछ कुछ भी नहीं था. इट वॉज वेरी कॉर्डियल एंड नाइस और उसका मेरा ह्यूमर भी बहुत अच्छा मिलता था. तो साथ मिलकर हम हंसते खेलते भी ज़्यादा थे तो इट वॉज अ फन टाइम. तो डीप डाउन और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैच्योर और अच्छी, तो डीप डाउन वो इंट्यूशन आ चुका था कि इस बंदे में विनिंग पोटेंशियल और ये जीतेगा. तो ऑफकोर्स बुरा लगता है कि अभिषेक नहीं जीत पाया क्योंकि उसने अपनी जान लगा दी, अपना 100% दिया. बट कहते हैं ना कि अब जिसका जो कैमरा लुक. मनीषा जी भी टॉप 3 में आई तो क्या कहना चाहिए उनके बारे में, उनका? मनीषा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त रही थ्रू आउट और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, हमारी लड़ाइयाँ हुई, फिर रीयूनाइट हुए हम लोग. बट मेरे लिए तो दरवाजे खुले हैं. अगर वो वीक 1 वाली मनीषा जिससे मैं मिली थी अगर वो वही होती है, अभी भी वही रहती है, तो मेरे लिए तो सारे दरवाजे. बट बेबी का उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि वो भी दोस्ती के लिए रेडी है, आप भी दोस्ती के लिए रेडी है, क्यों ना एक दोस्त. क्योंकि मुझे लगता है वहाँ ना किसी के भी पैरअप से ज्यादा हिट हम लोग का पैरअप हो गया था बेबी शाह करके, क्योंकि एक हफ्ता हम लोगों ने जो पब्लिक को एंटरटेनमेंट और जो एक्साइटमेंट दी थी वो कोई भी घर में नहीं दे पा रहा था हम दोनों यूनाइटेडली. बट मेरी तरफ से तो दरवाजे खुले हैं, लेट्स सी मनीषा की क्या इच्छा है. थैंक यू बेबी का. थैंक यू गाइस फॉर कमिंग.